धान कूटत रहा है। एक दिन पड़ोसन की जिज्जी आई, पड़ोसन से चिल्लात आई, अरे ओ बिन्ना कहा कर रही। सो इन्हें भीतर से जवाब दो, आओ जिज्जी मैं तो धान कूट रही। इतने में एक घटना घटी भैया, कहा धान कूटत कूटत उसके पति ने यानी खसम ने आवाज लगाई, पानी लाओ। तो ये धान कूटत कूटत इन्हें मूसर, जैसे ही पानी मांगा तो मूसर ऊपर की तरफ था, इसने ऐसे ही छोड़ दिया और भागी कि खसम की आज्ञा है। और पतिव्रता स्त्री का अर्थ भी वही है कि पति के मुख से बात निकले, खसम के मुंह से बात निकले बे, और उसकी घरवाली औरत पत्नी उसको पूर्ण कर दे, उसी का नाम पतिव्रता है। हिंदी भाषा में कहें तो सच्ची धर्म पत्नी वही है जो अपने पति की बात को मान लेती है, और जो औरत अपने पति की बात मान लेती है उसके घर में सदैव शांति रहती है। पति भी वही है जो केवल अपनी स्त्री के प्रेम के लिए जीता है, कहीं विचलित नहीं होता है, और वो भी उतना ही समर्पण अपनी पत्नी को दे, उसी का नाम पति है। और पति का दूसरा अर्थ होता है पत्नी आम रक्षतु, जो पत्नी की रक्षा हर प्रकार से करने की सामर्थ्यता रखता हो वही पति है। सच्ची औरत वही है, सच्ची धर्म पत्नी वही है जो पति की आज्ञा का पालन नित्य करते हैं, और सच्चा शिष्य भी वही है जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। कई जने हमने देखे शब्दों में तो कह दे हम तुम्हारे चेला है, और कह दो चेला है तो दूर से पांव पर हमारा छू ले दो, फिर काय के चेला। घटना वही हुई, मूसल उन्हें उसके पति ने खसम ने बुलाओ तो उन्हें मूसर छोड़ दो, ऊपर की तरफ मूसर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि जो है पतिव्रत धर्म में वो सामर्थ्यता होती है कि प्रकृति का नियम भी टूट जाता है। पड़ोसन जौन अतीबा देख रही थी उन्हें गौर से देखो, बोले यार जो तो भोलंबो जादूगा जानत। तो जब बाद में उन्हें पानी यानी पिबा दो अपने खसामा, जब बाद में लौट के आई सुबह, पड़ोसन बोली जी बिन्नू एक बात बताओ, जो तुम ऊपर कैसे एकदम ऊंचे जो को त्यों टिको रहो हवा में। तो पड़ोसन कहती है, वो कहती है जो स्त्री थी धर्म परायण स्त्री थी, वो कहती है ये सब कृपा हमारे पति देव के चरणों की है, हमारे खसम के चरणों की है। पड़ोसन भी मन में विचार करत कि मैं भी अब जो ही उपाय करो वह घरे आऊ सो अपने खसम से कहा सुनो जी। बोले हाँ, बोले एक काम करो मैं इतने धान कूट रही तुम पानी तो मांगो तनक बायरी से। अब बात रोज अग्नि पुराण मां चत्ती अपने खसम, हाँ रोटी उकी गारियनी में पचत्ती, दो चार जना में बेलन भी एक बेपूज देती अपने खसम। अब बा नकल कर वे चली, अब देखियो गौर से सुनियो, बा बोली सुनो आप जाओ बाहर और बाहर से तुम पानी मंगा जो मैं इतने धान कूटा। तो बोली काय हाँ, आज पति भी सोचन लोगों के ना जाने कौन से महात्मा को आशीर्वाद होगा कि हम पानी मंगाइयो जा दे दे। आज तो सूरज भगवान उल्टी नजर आ रहे, लेकिन बात नहीं मानत सूर्य ध्यान आई फिर बेलन घल ले बेचारो गो बाहर खड़ो हो गो व धान कूटन लगी। हुए तो वही चित्रण मन में भरो तो उन्हें बाहर से पति ने आवाज लगाई, पानी ले आइयो धान कूटत कूटत इन्हें छोड़ो। और छोड़ो जैसे ही उठी सुई ने विचार करो देख तो लगे कांटे को, जैसे ही मुड़ ऊपर करो सुने जैसे नकुगा फूट गो लाल हो गो मुंह खून ही खून भर गो। अब डरी जा पति तो बाहर है खसम ठाड़ो के पानी आए होते का है पानी आने तनक दे में वो यहाँ लगो के कछु गड़बड़ है। जब आए सुने पंखा झलो बोले ते तो पानी लेके आउती, बोले पानी का अस्पताल ले चलो नहीं तो हमें टपक जाने। फिर कहा बड़ी बात जा अस्पताल ले गए। बाद में पड़ोसन को उसने घटना बताई तो पड़ोसन ने बहुत प्यारी बात कही, ये बात हमने इसीलिए सुनाई हंसने के लिए नहीं, उसने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा बिन्ना बुरा ना मानो तो हम सच बोल दें ये महंगा शौक है,
नकल काम नहीं आती है, जीवन में अकल काम आती है। जो सच्ची सेवा करता है उसे कोई चमत्कार दिखाना नहीं पड़ता, उसका प्रत्येक कर्म चमत्कार हो जाता है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में माता पिता गुरु और पति की सच्ची सेवा करो, तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी बाड़ी ही चमत्कार हो जाएगी। नाटकीय मंचन के चक्कर में अगर तुम पढ़ो तो घाटा खाओ। हम एक बात और बोलते हैं, आज हमने एक बात करोड़ों की बोली, क्या असली हीरो जो टीवियों में आते हैं वो हीरो नहीं है जिनके तुम फोटो